very different than what he's been seen before. So, कैसे planning रही? Well, when I first heard the song, Siddharth made me listen to it, and the kind of energy and what was it's a very different kind of song. It's not like the usual love songs. Then Kumarji, the way he had written the lyrics is completely different, not what usually people convey and all. This was a song which was not about regret in love, and love is not about getting the person. So then I made up a story, and Siddharth helped me. He said, let's do it this way, let's do it that way, and that's how we formed the entire thing. And then the first person that came into my mind actually was Gautam, because we needed that Kabir Singh kind of angle to it, and I think he was perfect for that role. I can't see anybody else doing that role. So yeah, that's how we got him in. And then we wanted a very good actor, because she had to be beautiful, and I had just done an ad film with Naira Banerjee. So when I saw her perform, so I suggested to Siddharth that I think we should take her. So we met her and everything, and that's how the whole thing came. You know, they both are playing their part, and it's so effortless when you watch them. So unki chemistry kaisi rahi set pe, you know, how was it, how we shot in Goa, I guess. Yeah, we shot the song in Goa, and they were fantastic on the set. They just knew exactly what to convey, their emotions and everything, and it came out very well. So we didn't have to put too much of effort. I just used to explain to them the shot, and one take they used to both do it. So they were fab. Is this gaane ka kitna role rehta hai jab aap ek gaana conceptualize karte hain and you discuss with Siddharth, because it's a very well you know, well arranged music which has every instrument is heard, you know, in its uniqueness. So wo kaise pura process rehta hai, how did you and Siddharth ji you know? सबसे पहले वो वीडियो से वो गाने के वजह से ही बनता है. गाना नहीं है तो वीडियो ही नहीं बनेगा. तो सो जो गाने का रिक्वायरमेंट है, द मूड, द एक्टर्स, द स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग हैज़ टू बी डिज़ाइंड अराउंड द सॉन्ग. सो ऑब्वियसली विद ऑल द काइंड ऑफ म्यूजिक ही इज़ पुट इनटू द लिरिक्स, दैट्स हाउ वी डिज़ाइन द एंटायर सॉन्ग. सो ऑब्वियसली द सॉन्ग इज इट, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ द सॉन्ग द वीडियो इज बीइंग मेड. हम लोग स्टोरी के ऊपर बहुत वर्क किया, एंड आई डू इट. जैसे जितना गाने पे हम काम करते हैं, उतना ही जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो इसके म्यूजिक वर्क्स में हम बना रहे हैं. तो हमारी सीईओ सनोवर भी है, शी इज़ ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व, द होल टीम इज़ इन्वॉल्व. बट वी मेक श्योर के हम ऐसे रैंडम खाली विजुअल्स लेकर के ना बनाएं, कुछ ना कुछ नया करें. बिकॉज जब अभी हम गाने में कितना भी नया कर दें, लेकिन जब देखने में नहीं लगेगा तो लोगों को एक अच्छा नहीं लगेगा. सो इसके लिए हमने उस स्टोरी के ऊपर वर्क किया. देखिए, आप दुआ करो भी देखोगे तो इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट अप्रोच एंड स्टोरी फॉर दैट सॉन्ग. वरना गाने को सुन के कभी लगता नहीं कि वो हार्ट ब्रेक के गाने पे इस प्रकार का वीडियो. ये वाला जाना है तो जब भी बना रहे थे तो अजीज़ और हम गौतम और नायरा के साथ में जो हमने स्टोरी गढ़ी थी, बट आई वॉज़ वेरी श्योर कि इसमें एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए, और वो यूनिक चीज़ उस गाने में है. मतलब वो लड़का कितना भी हो जाए, उसकी शादी में जा कर के उसको जो नेकलेस उससे टूटा था, वो नेकलेस जा कर के उसके हाथ में रख देता है, एंड वो हैप्पी नोट पे एंड करता है. ठीक है भाई, अब तुम आगे बढ़ी रही हो तो तुम बढ़ो, बट मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ. सो डेट वॉज द मॉडर्न एक्सप्रेशन उसमें किया. उसी तरीके से वी विल सी ये जो आर्टिस्ट वर्जन किया, आक्षी इज़ फीचर्ड देयर. और पहले हम सिर्फ आर्टिस्ट कर रहे थे, पर मैंने इसमें कुछ ये इससे मैंने कहा, मैंने इसमें कुछ ना कुछ चीज़ कुछ एलिमेंट मिसिंग है. मैंने वरना हम म्यूज़िक, क्योंकि हम तो म्यूजिशियन लोग हैं ना, हम मैं पियानो बजा लूँगा, ये गाना गा लेगा, पर वो पूरा अतुल जी हैं, पियानी का बजा लेंगे, डीएल वायलिन पे एक्सप्रेशन दे लेंगे. पर मैंने इन सब के मूड को कहीं से बाहर आना चाहिए, और मैंने इसे बोला, मैंने तू कितनी भी आग लगा ले, पानी डाल ले, चिंगारी कर लो, ये कर लो, मैंने उससे नहीं होगा, देर हैज़ टू बी सम एलिमेंट. एंड देन केम एन आइडिया ऑफ कौन सी एंजल, ब्रोकन एंजल. सो शी वॉज द ब्रोकन एंजल. मतलब ब्रोकन इसलिए के टू जितने टूटे हुए चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं से वो जहाँ पे हम जहाँ पर ख़त्म होते हैं, ये वहाँ से शुरू होकर के उसको कंप्लीट करते हैं.